teacher. My name is Seema. Today I will teach you personal hygiene. GK subject का ये second chapter है personal hygiene. Personal hygiene का मतलब होता है कि हम खुद की साफ सफाई कैसे रख सकते हैं. बचपन से ही हमारी मदर ने और हमारे फादर ने या फिर हमारे पेरेंट्स ने मोस्टली क्या सिखाया है कि हम साफ सुथरे रहें, मॉर्निंग में उठें, फ्रेश हो, ब्रश करें, नहाएं, अपनी बॉडी को सबसे पहले अच्छे से क्लीन करें, है ना. आपको ज्यादातर मदर ये भी बताती होगी कि जब आप सुबह उठते हैं तो ब्रश करें और आपको सोने से पहले ब्रश करें. ये आप स्कूल में भी जाते होंगे तो वहां पर भी आपको हाइजीन का खास करके ध्यान रखने के लिए कहा जाता है. आजकल के दौर में आप सभी जानते हो स्टूडेंट कि कोरोना बहुत टाइम से है. ज्यादातर टीवी वगैरह में भी देखते हो, उसमें बार बार आपको बताया था कि आप दिन में जब भी आप बाहर जा रहे हैं या घर में भी है तो आप बार बार अपने हैंड को वॉश कर लें. इसका मतलब क्या कि हमें अपने आप को साफ सुथरा रखना है ताकि हम किसी भी तरह से बीमार न हो, ठीक है. तो हम मॉर्निंग में अपने जो भी हम नहाते हैं, नहाने के बाद बाथरूम करने के बाद हमें नीट एंड क्लीन कपड़े पहनने चाहिए. खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी हाथ धोना चाहिए. मॉर्निंग में ब्रश, फिर इवनिंग में नाइट में सोने से पहले ब्रश कीजिए. अपने नेल्स जो मोस्टली गर्ल्स को देखा गया है, वो गर्ल्स जो है फैशन के तौर पे अपने नेल्स को बढ़ा देती है, ये बैड ट्रेंड है. क्योंकि वो नेल्स बढ़ाने से उनमें मैल जाता है और जब हम खाना खाते हैं फिर उस सारे की सारी गंदगी हमारे पेट में चली जाती है जिसकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं. तो हमें खास तौर पे अपने शरीर का ध्यान रखना है, अपनी बॉडी का ध्यान रखना है. कैसे? साफ सफाई से, यानी हाइजीन से, ठीक है स्टूडेंट. तो देखिए आज की एक्सरसाइज है, ये है एक्सरसाइज में फर्स्ट है वी नीड टू शैम्पू अवर हेयर एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक. यानी हफ्ते में हमें अपने बालों को दो बार शैम्पू करना चाहिए. ट्रू या फॉल्स? ट्रू. द कॉम दैट वी यूज शुड बी वॉश्ड रेगुलरली. हम जो कंघी यूज करते हैं, कॉम यूज करते हैं अपने हेयर को कॉम करने के लिए, उसे हमें डेली वॉश करना चाहिए. तो ये भी ट्रू है. वी मस्ट बाथ एटलीस्ट वंस अ डे इवन ड्यूरिंग विंटर. सर्दियों के मौसम में, गर्मियों में तो सभी डेली नहा लेते हैं, लेकिन सर्दियों में क्या होता है कई बार हम डेली नहीं नहाते क्योंकि हमें ठंड लगती है. लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि सर्दियों में भी हमें दिन में एक बार नहाना चाहिए. ये भी ट्रू होगा. इट इज हाइजीनिक टू शेयर सोप एंड टॉवल विद अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड फ्रेंड्स. हमें हाइजीनिक का ध्यान रखते हुए क्या अपना साबुन और टॉवल किसी दूसरे को शेयर करना चाहिए? नो, बिल्कुल भी नहीं. क्योंकि ऐसा करने से हमारे अंदर की जो भी गंदगी शैम्पू में लगी थी, सोप में लगी थी या टॉवल में लगी थी, वो किसी और तक पहुंच सकती है. तो इसके लिए होगा ये फॉल्स. वी डोंट नीड टू चेंज अवर अंडर गार्मेंट्स एवरी डे. क्या हमें अपने अंडर गार्मेंट्स को डेली चेंज नहीं करना चाहिए? फॉल्स. क्योंकि जब हम नहा रहे हैं हमें डेली अपने कपड़े चेंज करने चाहिए. इट इज गुड टू ब्रश अवर टीथ बिफोर गोइंग टू बेड. बेड, रात को सोने से पहले, बेड पे जाने से पहले क्या हमें ब्रश करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए. ये भी होगा ट्रू. वी डोंट नीड टू वॉश अवर हैंड बिफोर एवरी मील. खाना खाने के बाद क्या हमें हाथ नहीं धोना चाहिए? धोना चाहिए. ये फॉल्स होगा. इट इज फाइन टू ग्रो योर नेल्स इफ यू कैन कीप देम क्लीन. अगर हम अपने नाखूनों को साफ रख सकते हैं तो क्या उन्हें बढ़ाना चाहिए? नो, बिल्कुल भी नहीं. क्योंकि नेल्स को बार बार साफ करना इजी नहीं हो पाता है. शूज शुड नेवर बी अराइड और सन एज द स्पॉइल देम. जूतों को हवा और धूप में नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो खराब हो जाते हैं. बिल्कुल दिस इज फॉल्स. क्योंकि अगर हम अपने शूज को हवा में रखते हैं और धूप में रखते हैं तो उसके अंदर की जितनी भी गंदगी और मैल होती है वो उससे खत्म हो जाती है. तो हमें अपने जूतों को यूज करने के बाद हवा धूप में रख देना चाहिए. आई थिंक स्टूडेंट आर यू अंडरस्टूड चैप्टर नंबर 2 पर्सनल हाइजीन. आप सभी अपने बॉडी के हाइजीन का खास तौर पर ध्यान रखें और इन सभी बातों को फॉलो करें.